अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थ्री स्टूडेंट्स। वाओ माशाल्लाह से आज आप सब लोग बहुत फ्रेश लग रहे हैं हमेशा की तरह। अच्छा ये बताएं कि अभी क्या कर रहे थे आप? साइंस से पहले आपने किन किन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखी हैं, या ये साइंस की आपकी पहली वीडियो है? चलें जिस तरह से भी है बस कोशिश करें कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपने वीडियोस को गौर से देखा करें, और ख़ास तौर पर जो होम असाइनमेंट आपको मिलता है वो लाजमी सबमिट किया करें। तो आज जो है, आजकल हमारा जो टॉपिक साइंस का चल रहा है उस टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। और अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इकोसिस्टम वो कहलाता है जिसमें डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो हैं वो होती हैं, इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। ठीक है, सो इकोसिस्टम के इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ नया सीखा है। और अभी जो आपका लास्ट असाइनमेंट था वो ये था कि आपको डिस्कस करना था कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को, और आई होप कि आपने अपना होम असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा। आज जो हम अपनी एक्टिविटी करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 इकोसिस्टम की, उस एक्टिविटी का नाम है, चलें ये हम बुक से देखते हैं कि आज हमें क्या एक्टिविटी करनी है। तो आज चैप्टर नंबर 5 का डे 9 है, सो आई एम गोइंग टू रीड कि इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन मेकिंग, वाओ। तो आज हमें कुछ सवाल बनाने हैं। आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आंसर्स तो देते ही हैं और उससे आपको बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन मेकिंग एक बहुत अच्छी स्किल है। आपको सवाल करने भी आने चाहिए, और आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने और समझने के बाद उस पर सवाल बनाने भी आने चाहिए। क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें व्हाट, वेयर, व्हेन यानी कि W's की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस एक्टिविटी। वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक सम ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड वी हैव टू आस्क फ्रॉम योर क्लासमेट्स, मीन योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, योर कजन्स टू आंसर देम। सो क्या मैं आपकी हेल्प करूँ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो After reading this ecosystem chapter, if I will make a tricky question, so it will be like, name some factors that can damage the water ecosystem. ये हमारा पहला ट्रिकी क्वेश्चन होगा। सो व्हाट इज़ आर फर्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन? नेम सम फैक्टर्स डैट कैन डैमेज द वाटर इकोसिस्टम। और सेकेंड ट्रिकी क्वेश्चन इज, Who is responsible for destroying the natural ecosystem? Who is responsible for destroying the natural ecosystem? Our third tricky question will be like, can you tell what can happen to our earth in the next 5 years if we keep on using plastic and throwing trash everywhere? How will our earth look like? This is very interesting question as well. And the fourth tricky question is, name some non-living things that are part of an ecosystem. So, ये हमारे 4 different tricky questions हैं। Can I repeat again my tricky questions? Okay, so the first tricky question is, name some factors that can damage the water ecosystem. The second question is, who is responsible for destroying the natural ecosystem? Our third question is, can you tell what can happen to our earth in the next few years if we keep on using plastic and throwing trash everywhere? How will our earth will look like? And the last question is, name some non-living things that are part of an ecosystem. Okay, these are 4 tricky questions jo maine aapki madad ki hai. Ab aapko karna ye hai ki you have to write these questions in your copies, and you have to add one more tricky question. Ek to aapne khud se ab question banana hai, 4 ye questions, one question from your side. You have to write all the 5 questions, and then you have to send the picture of that page jis par aap question लिखेंगे। या तो वो अपने टीचर्स को उस पिक्चर भेज दीजिएगा पेज की, या आप टाइप करके ये ट्रिकी क्वेश्चन डे 9 के साथ अपने टीचर्स को सेंड करें। तो आज का काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे ही आप फ्री होते हैं, जो भी आपका होम असाइनमेंट करने का टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रिकी क्वेश्चंस को लिखें और अपने टीचर्स को भेजें। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।